तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम अपनी स्टेनोग्राफी की एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम चैप्टर टू के कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे और वोवल ओ और वोवल यू पढ़ेंगे। बाकी हमने पिछले वीडियोस में जैसे कि चैप्टर वन क्लियर कर लिया था, जिसके अंदर हमने 6 कंसनेंट्स, 2 वोवल्स, 2 वोवल्स एंड कुछ ज्वाइनिंग्स और वोवल से रिलेटेड कुछ वर्ड्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म लगभग 8 या 10 के आसपास शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी, और उसके बाद एक्सरसाइज वन हमने क्लियर कर ली थी। फिर हमारा चैप्टर टू शुरू हुआ था, उसके अंदर हमने कुछ लगभग 8 वोवल थे, 8 कंसनेंट्स थे और कुछ शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी 6। तो आज हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं उन शॉर्ट फॉर्म्स और नए वर्ड कॉन्सनेंट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स और शॉर्ट फॉर्म्स। तो हमने पढ़ ली थी, साथ में पढ़ेंगे 2 वोवल, वोवल ओ और वोवल यू। इस तरीके से आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वोवल वोवल ओ एंड वोवल यू, ये 2 हम पढ़ेंगे। बाकी की हमने पिछली वीडियोस में पढ़ लिया था, वो एक बार आपका रिवाइज करवा दूं। तो पिछली वीडियोस में हमने कंसनेंट्स पढ़े थे, सारे कंसनेंट लिख देता हूं एक बार। प ब ट ड च च एफ वी एन एन जी, सॉरी एन एन जी नहीं, टी एच एस जेड, फिर आता है SH ZH। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है जैसे पी वोवल है, तो वोवल पी है उसको हम लिखेंगे लाइट स्लैश, वोवल पी, वोवल ट डी, डी थोड़ा डार्क बनेगा, दिख रहा है आपको अंतर। फिर वोवल च ज फ व टी एच और टी एच, ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, ये आई वाला है और ये ई वाला टी एच। जैसे कि वर्ड में आई आएगा तो लाइट बनेगा, ई आएगा तो डार्क बनेगा। फिर श और ज जेड, फिर शेल वाला और ये ज। फिर अब इन्हीं से रिलेटेड हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी थी, तो शॉर्ट फॉर्म भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म्स हमने पढ़ी थी, जैसे कि फर्स्ट थी हमारी, फर्स्ट चैप्टर में थी बी, बी शॉर्ट फॉर्म थी, वो ऐसे बनेगी ईट, ओके। टू, आपको याद आ रहा हो तो ये शॉर्ट फॉर्म्स हमने पढ़ ली है। विच, विच सी एच की तरह बनेगा। और फिर आता है द, द टू टी डब्ल्यू ओ या टी ओ ओ, इसमें लिखेंगे हम इसको डार्क इतना सा। फिर आता है बट, हु, यहां तक हमने शॉर्ट फॉर्म्स अभी तक पढ़ ली थी। फिर इसके बाद ये तो हमारी फर्स्ट चैप्टर की शॉर्ट फॉर्म्स है, देख रहे हो 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये मात्र 9 शॉर्ट फॉर्म्स हैं। उसके बाद हमने लगभग 6 शॉर्ट फॉर्म चैप्टर 2 में पढ़ी थी, जो कुछ ऐसे हैं, हैव, थिंक, थिंग, थिंग भी लिख सकते हो, ये होगा देम, सॉरी मेरे चैप्टर 3 ध्यान आ जा रहा है, वोज, शेल,
अब मैंने जैसे ये लिख दिया चैप्टर 3 का है, पर मैं आपको बता दूंगा एक बार, हैव बनेगा कुछ इस तरीके से वी की तरह, थिंक ये लाइट बनेगा क्योंकि इसमें आई आया है, ये टी एच ये डार्क बनेगा, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये कुछ आपके कंसनेंट से रिलेटेड हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं इनसे रिलेटेड हैं, वोज जेड आ रहा है, ये वाला जेड, श और ज इस तरीके से है, तो ये वोज शैल और यूजुअली, शेल इससे रिलेटेड है और यूजुअली से ये, तो इस तरीके से ये कुछ वर्ड्स एंड कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हमने आज तक अब तक पढ़े थे, कंसनेंट शॉर्ट फॉर्म्स वोवल ए और यू और पढ़ा था, तो वो भी आपको एक बार यहाँ पर बता दूं, वोवल ए जिसको हम हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करते थे, और वोवल ई जिसको हम लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते थे, तो इनके वर्ड्स थे जैसे कि पे, पे था वोवल ए का पे, और वोवल ई का जैसे कि ले लेते हैं ईच, ईच इस तरीके से कुछ वर्ड्स हैं, ये वोवल ए से रिलेटेड है, ये वोवल ई से, आप पिछले वीडियोस को देख लीजिए, उनमें आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। तो ये हमने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा था जीरो टू हीरो क्लासेस में, अब हम पढ़ने वाले हैं इसके चैप्टर 2 के कुछ वर्ड्स, वोवल ओ और वोवल यू, ये मैंने पिछला रिवाइज कर दिया है सारा, तो अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके कुछ वर्ड्स पढ़ लेते हैं जैसे कि कंसनेंट से रिलेटेड वर्ड्स, फर्स्ट जैसे कि ये, मैं इसमें खाली जगह छोड़ रहा हूँ, पहले लिख दे रहा हूँ, आप साथ के साथ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इनमें क्या क्या आएगा इनका आंसर, जो भी आपको सही लगे। सॉरी ब्रेक माई पेंसिल। तो दोस्तों जैसे ए आ गया, और फेथ, सॉरी ये हो गया, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इतने ही वर्ड्स दिए गए हैं, तो जैसे कि फर्स्ट आपको बता दूं, ये हो गया दे, टी एच और ए, टी एच और ए ये साउंड आ रहे हैं इसमें, इसमें आ रहा है एस एंड ए, तो ये हो गया से, एफ ए डी, एफ ए डी ये तीन साउंड क्लियर आ रहे हैं, तो एफ ए डी ई स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए जिससे आप इसको अच्छे से कर पाए। फिर आता है एफ ए टी एच, एफ ए टी एच ये तीन साउंड आ रहे हैं, तो फेथ, एफ ए आई टी एच, आई इसमें प्रोनाउंसिएशन में साइलेंट है। और फिर आता है जैसे कि शिप, एस एच पी, शेप, एस एच ए पी है ये, ए आ रहा है, एस एच आई पी, शिप ई लग जाए। फिर इसमें आता है बाथ, बी ए टी एच, बी टी एच ए, एस एच डी ए, एस एच ए टी ई शेड, एफ ई डी, एफ ई डी ये इस तरीके से, एफ ई डी फेड। फिर आता है जैसे कि फैच,
एफ सी एच एफ ई टी सी एच डी ई टी एच डी ई टी एच डेथ एफ सॉरी श एस एच ई डी शेड और ये हो गया ई एस ए। ये तो कुछ वर्ड नहीं बना, तो फिर ई एस एस ए वाई इजी ऐसे सॉरी ऐसे ये वर्ड बन जाएगा। इस तरीके से हमें ये वर्ड याद रखने हैं। ये वर्ड आप प्रैक्टिस करें लगभग आधा आधा पेज या फिर ऐसे 5 लाइन काउंट करके 5 लाइन प्रैक्टिस करें, जगह नहीं छोड़नी है। फिर अब आते हैं, हमारी बात आती है वोवल्स पे। तो वोवल्स जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, वोवल्स वोवल हम पढ़ेंगे दो, वोवल ओ और वोवल यू। तो अब बात आती है बात वोवल की। वोवल्स फर्स्ट है वोवल ओ, तो इस वोवल को हम पढ़ते हैं हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर जो सेकंड होगा यू, उसको आप समझ गए होगे, लाइट डॉट लाइट डैश से रिप्रेजेंट, दोनों को डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अंतर होगा वोवल ओ हैवी डॉट से रिप्रेजेंट, तो हैवी डैश से रिप्रेजेंट होगा, और वोवल यू लाइट डैश से रिप्रेजेंट होगा। तो इनसे कुछ रिलेटेड आपको वर्ड्स मैं बता दूं, जैसे कि कुछ वर्ड्स आप अपने तरीके से बनाना, कमेंट बॉक्स में पूछना, जो नहीं आए नए वर्ड्स होंगे वो मैं आपको जरूर जवाब दूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। अपने अंदाजे से कोई भी स्पेलिंग हो उसका पूछना चाहते हो, तो जैसे कि फर्स्ट हम वर्ड ले लेते हैं इसमें टो, तो ये टी और ओ, ये टो बन गया। जैसे कि फिर हो गया ओट, टी तो बन गया, ओ पहले लगेगा। वोवल हमेशा बाद में पुट करना है, कंसनेंट्स बनाने के बाद वोवल पुट करना है आपको। फिर हो गया बो, बो और ओ ऐसे ऊपर की तरफ। एक जो बनाने की स्ट्रेटजी है, मतलब स्ट्रोक जो इस तरीके से आप बनाते हो उस पर ध्यान दें। जैसे कि जो बनाया मैंने, जो ज हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा इसी तरफ, और वो वाली इसमें यहां पर पुट करेंगे जो। फिर जैसे फोर, फो तो फ बना दिया, ओ इस तरीके से। जैसे कि कोई स्ट्रोक अगर मान लो सीधा ना है, ऐसे तिरछा है, तो इस तरीके से स्लाइड स्लाइड टाइप है, इस तरीके से उसकी तरफ बनेगा। जैसे कि क्रॉस बनाते हैं तो यहाँ इस एंगल में बनेगा, ना कि यूं बने, सीधा नहीं बनेगा, ये बात हमेशा याद रखना। फिर ओ ए टी एच ओत, तो ई नहीं है तो लाइट बनेगा। फिर ओ आ गया तो ओ ओत, ये वर्ड्स हो गए। जैसे कि ओ ले लो सो, एस बना दिया, फिर ओ बना दिया, सो हो गया। ओज, OWES, जैसे कि मैं बना रहा हूं, बीच में लाइन नहीं छोड़नी, आपको प्रैक्टिस करते टाइम भी लाइन नहीं छोड़नी है, तो ओज। ओके शो, शो हो गया। एस एच ओ डब्ल्यू ई डी शोड, एस एच हो गया, डी बनाना है फिर यहीं से, डी एस एच लाइट, डी डार्क और ओ शो। बोट, बी ओ ए टी, तो अब आएगा इसमें बोट, इस तरीके से पहले हम बनाएंगे बी, फिर बिना पेंसिल उठाए यहीं से टी बनाकर ओवल पुट कर देंगे। इतना आप समझ गए होंगे, बोथ डी टी एच
बोथ, वोट, वी टी वोट, इस तरीके से वोट बनेगा। तो ये तो हमारे वोवल ओ हो गए। अब जैसे कि मैं आपको एक बार प्रैक्टिस का तरीका बता दूं, जैसे कि मान लो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, यहां तक हमारा पेज है, मान लो ये हमारी 5, 1, 2, 3, 4 लाइनों का पेज है। तो इसमें हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे कि सो ले लिया, सो ले लिया, तो फिर इसको प्रैक्टिस करनी है एस बना के ओ, एस ओ, एस ओ, एस ओ, एस ओ, यहां तक लास्ट तक गया। फिर सेकंड लाइन में भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। ये तो आपका प्रैक्टिस करने का सही तरीका है, लगभग 5 लाइन आपको प्रैक्टिस करनी है। और कुछ बच्चे ऐसे करेंगे सो सो, तो ये तरीका गलत है, इसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा और प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो हमें टाइम भी बचाना है और प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है, तो ये तरीका बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो अब आते हैं कुछ यू वोवल के वर्ड्स के ऊपर, बहुत ही इजी वर्ड्स हैं, जैसे कि सबसे सिंपल अप हो गया, तो पी बना के यू बना दो, अस हो गया, एस, यू पहले है तो पहले बना दो, ट्यूब, ट्यूब, टी बी, यू बीच में आ रहा है तो यहां पर टी के बाद आ रहा है, यहां पर बनेगा यू, और टच, टी ओ यू सी एच, ट च, डच, डच, इसमें टी साइलेंट है तो टी नहीं बनेगा, डी सी एच, लास्ट वर्ड जज, ज यू, जज। ये कुछ इस तरीके से सिंपल स्ट्रोक थे, उसके बाद वर्ड्स थे जो हमने क्लियर कर लिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम एक्सरसाइज सेकंड एंड थर्ड क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँ, लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो पर हम 20 व्यूज एंड 5 लाइक्स लाइक्स का टारगेट रखते हैं। मैं वीडियो शूट करके रखूंगा, अपलोड करने की देरी होगी, आपको अपना टारगेट क्लियर कर दो, आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी। टारगेट कंप्लीट होने के 1 से 2 घंटे के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी पार्ट अगर आपको इसमें से समझ ना आया हो, छोटा सा भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।